ये 120 करोड़ का दावा ठोक रहा हूं मैं, उनका नाम एनीवे बनता ही है, हर झुग्गी झोपड़ी में उनके गाने बजते हैं। दीपक कलाल एक जाने माने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं और अपने स्क्रिप्टेड वीडियोस के लिए जाने जाते हैं। हाल ही में दीपक कलाल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है, जिसमें उनकी फ्लाइट के अंदर किसी शख्स से कहासुनी हो गई है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे वो फ्लाइट के अंदर एक अनजान शख्स से झगड़ा करते हुए नजर आ रहे हैं। उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है। इस पर लोगों के रिएक्शन भी सामने आए हैं। पहले आपको ये वीडियो दिखाते हैं, उसके बाद आपको बताएंगे कि आखिर इस वीडियो का सच क्या है। साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि अब दीपक कलाल ने फ्लाइट फाइट के बाद एमीवे वनटाई पर 120 करोड़ का दावा ठोकने की बात कही है। इसी के साथ उन्होंने एमीवे वनटाई की एक्स गर्लफ्रेंड मुक्तक से शादी करने का फैसला भी कर लिया है। तो सबसे पहले आपको दिखाते हैं फ्लाइट में आखिर क्या हुआ। दरअसल आपको बताएं कि फ्लाइट लैंड करने के बाद सीट बेल्ट हटाने के साइन को इग्नोर करते हुए एक शख्स अपना बैग लेने की कोशिश कर रहा था। वो हड़बड़ाहट में उठता है और अपने को पैसेंजर के पैर में हिट करता है। इसी के बाद से दोनों के बीच बहसबाजी शुरू हो जाती है और भरी फ्लाइट में उनके बीच झगड़ा शुरू हो जाता है। देखते देखते हालात बेकाबू होने लगते हैं, तो ऐसे में एक प्रोफेशनल क्रू मेंबर बीच में आती हैं और लड़ाई रुकवाने की कोशिश करती हैं। फ्लाइट में बैठे कुछ और लोग भी इस दौरान उन्हें रोकने की कोशिश करते नजर आते हैं। दोनों को समझाया गया और मामले को शांत भी कराया गया, लेकिन हमेशा की तरह दीपक कलाल की इस करतूत को लोगों ने स्क्रिप्टेड बताया। एक यूजर ने लिखा, वाह क्या एक्टिंग है, वाह क्या एक्टिंग है। एक और यूजर ने लिखा, दीपक कलाल वर्सेस बाबिल खान। एक और यूजर ने लिखा, फेक फाइट विद फेक फ्लाइट। एक और यूजर ने लिखा, बेटर देन जैक पॉल एंड माइक टाइसन। इसके अलावा दीपक कलाल ने एक और वीडियो शेयर किया, जिसमें उन्होंने एमीवे पर 120 करोड़ रुपए का दावा ठोकने की बात कही। उसके कई सारे रीजन बताए, जिसमें सबसे बड़ा रीजन ये था कि एमीवे वनटाई ने उन्हें डिस किया और उनका नाम लिया, और उनका कहना है कि दीपक कलाल नाम लेने के पैसे लेते हैं, इसलिए विदाउट परमिशन दीपक कलाल का डिस ट्रैक में नाम कैसे लिया। ये 120 करोड़ का दावा ठोक रहा हूं मैं, और बहुत सारे रीजन है कि ये 120 करोड़ का दावा मैं किसके ऊपर ठोक रहा हूं, क्यों मैं ठोक रहा हूं ये दावा, ये मैं बता रहा हूं आपको। पॉप सिंगर है बहुत बड़े इंडिया के, उनका नाम एनीवे बनटाई है, हर झुग्गी झोपड़ी में उनके गाने बजते हैं। ये है बात 3 साल पहले की, तो इन्होंने गाना बनाया था एनीवे बनटाई जो सिंगर है उन्होंने, उसमें उन्होंने ऐसे कहा है, कर दूंगा मैं तुझे हलाल, मैंने नाम है मेरा दीपक कलाल, इस तरह से उन्होंने ये गाना बनाया हुआ है। क्यों ये उन्होंने गाना बनाया है, क्यों मेरा इन्होंने डिस्ट्रैक्ट निकाला है, ये सब मैं आपको बताऊंगा आज इस बात पे, एमीवे बनटाई के बारे में कि किस तरह से 5 साल से मुझे टॉर्चर किया जा रहा है। इसके अलावा दीपक कलाल ने कई स्टोरीज शेयर की हैं, जिसमें उन्होंने दावा किया कि वो मुक्ता से शादी करने जा रहे हैं, जो एमीवे की एक्स गर्लफ्रेंड रह चुकी है। एक स्टोरी में दीपक कलाल ने लिखा, मुक्ता हम शादी करेंगे गोवा में, बी रेडी, देखते हैं क्या करता है ये डरपोक एमीवे बनटाई। वहीं मुक्ता ने भी पोस्ट को रीशेयर करते हुए लिखा, जल्दी आ जाओ आई एम रेडी इन मनीष मल्होत्रा लहंगा। इसके अलावा मुक्ता ने कमेंट करके भी लिखा है, बहुत बुरा हुआ मेरे साथ, थैंक्स फॉर सपोर्टिंग। वहीं लोगों के भी इस पर रिएक्शन सामने आए हैं। एक यूजर ने लिखा, फेम लेने के चक्कर में मार खाएगा। वहीं एक यूजर ने लिखा, पूरा वकील समाज दीपक के साथ है, एडवोकेट नहीं मिलेगा कोई एमीवे को। रिकॉर्ड ने लिखा, पर भाई गाना आए तो 2 साल हुए हैं, 5 साल कहाँ से टॉर्चर हो गए तुम। रिकॉर्ड ने लिखा, एमीवे सीरियस आदमी है भाई, केस कर देगा। फिलहाल ये तो थे लोगों के रिएक्शन, आप क्या कहना चाहेंगे दीपक कलाल के बारे में कमेंट सेक्शन में हमें लिखकर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सब्सक्राइब करना।